सखी, आज हम जानते हैं गर्भावस्था के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। गर्भावस्था जो आपके जीवन की सबसे खूबसूरत अवधि होती है, इसमें बहुत सी चीजें बदल जाती है। न केवल आपके शरीर में बदलाव आते हैं, आपकी पूरी जीवन शैली, आपकी प्राथमिकताएं, आपकी सोच सभी बदल जाती है। इस दौरान केवल न आपके अपने बच्चे के लिए बल्कि खुद के लिए भी अच्छी तरह से सेहत सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देना चाहिए। जो चीजें ऐसी है नहीं खानी चाहिए, उनको खुद को अवगत करा लेना चाहिए। एक गर्भवती महिला के लिए भोजन एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। जबकि अच्छा भोजन आपको और आपके बच्चों को पोषण देता है, और हानिकारक भोजन एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि गर्भवती होने पर क्या खाना चाहिए और इसका ख्याल कब से रखना शुरू करना चाहिए। जब आपको अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चले, तब से ही इसका ख्याल रखना जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं में एक स्वस्थ गर्भावस्था के लिए स्वस्थ आहार का सेवन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी कई चीजें हैं जिनका उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई तरह के खाद्य आपके बच्चे के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। कभी भी कच्चा अंडा न खाएं। गर्भवती महिलाओं को अच्छी तरह से पका हुआ अंडा खाना चाहिए। आधे पके अंडे का सेवन से साल्मोनेल का संक्रमण का खतरा हो सकता है। इस संक्रमण से गर्भवती महिला को उल्टी और दस्त की समस्या हो सकती है। शराब व धूम्रपान से दूरी। नशीली चीजों का सेवन करना हर किसी के लिए हानिकारक होता है। गर्भवती महिलाओं को तो केवल शराब ही नहीं बल्कि हर तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। कैफीन का सेवन न करें। गर्भावस्था में कैफीन न लेने की सलाह दी जाती है। चाय और कॉफी, चॉकलेट जैसी चीजों में कैफीन ज्यादा पाया जाता है। ज्यादा मात्रा में कैफीन लेने से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए कैफीन से दूर रहे। उच्च स्तर के पारे वाले मछलियां न खाएं। गर्भवती महिलाओं को ऐसी मछलियों को खाने से बचना चाहिए जिनके शरीर में पारे का स्तर अधिक होता है। ऐसी मछलियों को खाने से भ्रूण के विकास में बाधा आ सकती है। गर्भावस्था में कच्चा पपीता न खाएं। पपीता असुरक्षित होता है। कच्चा पपीता में केमिकल पाया गया है जो भ्रूणों को नुकसान पहुंचा सकता है। कच्ची अंकुरित चीजें न खाएं। अंकुरित नाश्ता सेहत के लिए लाभदायक होता है, लेकिन गर्भावस्था में कच्चे अंकुरित चीजें खाने से बचना चाहिए। दरअसल कच्चे अंकुरित दालों में साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ईकोलाई जैसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। इसके कारण गर्भवती महिला को उल्टी या दस्त की शिकायत हो सकती है और माँ के साथ साथ शिशु की सेहत को भी नुकसान पहुंच सकता है। क्रीम दूध से बना पनीर न खाएं। गर्भावस्था में क्रीम दूध से बना पनीर खाना नहीं खाना चाहिए। पनीर को बनाने में पाश्चरीकृत दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें लिस्टेरिया नाम के बैक्टीरिया मौजूद होती है। इस बैक्टीरिया की वजह से गर्भपात और समय से पहले प्रसव का खतरा बढ़ सकता है। गर्भवती महिला को कच्चा मांस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कच्चा मांस आपको टैक्सोप्लास्मोसिस जैसे संक्रमित कर सकता है, इससे गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। बिना धुली हुई सब्जियां और फल न खाएं। किसी भी फल और सब्जी को खाने से पहले उसे अच्छी तरह धोना न भूलें। बिना धुली हुई सब्जी और फल में टॉक्सोप्लाज्मा नाम की बैक्टीरिया मौजूद हो सकती है, जिससे कि शिशु के विकास में बाधा आती है। घर में बने आइसक्रीम न खाएं। गर्भावस्था में घर में बने आइसक्रीम खाने से बचें। आमतौर पर इसे बनाने के लिए कच्चे अंडे का इस्तेमाल होता है। कच्चे अंडे से गर्भवती महिलाओं को साल्मोनेला का संक्रमण हो सकता है। हर्बल सप्लीमेंट। इतना तो आप जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी चाहिए। अगर गर्भवती महिला को किसी चीज का सेवन, हर्बल औषधि की आवश्यकता है, तो उससे पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान हर्बल औषधि भी खतरनाक साबित हो सकती है। फास्ट फूड या जंक फूड से ज्यादा दूर रहे। चटपटा खाने का, नमकीन खाने का, मीठा खाने का मन होता है, लेकिन ज्यादा तले भुने और बाहरी खाने और मीठा खाने से शिशु को पोषण नहीं मिलता। यह शिशु के लिए घातक हो सकता है। सखी, आज हमने जाना गर्भावस्था के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.garbhasanskar.in से भी आप ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।